हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, फाइनली मैंने यूट्यूब से कमाए गए पैसे से एक लैपटॉप ले लिया है और ये बस आपके प्यार एंड सपोर्ट के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। आज की इस वीडियो को बनाने का, लैपटॉप दिखाने का बस एक ही मकसद है कि आपको मोटिवेट कर सकूं कि ये सब कुछ आप भी कर सकते हो अगर मैं कर सकता हूं यूट्यूब के बदौलत। तो मैं यूट्यूब पे कितने टाइम से काम कर रहा हूं, मैंने अब तक यूट्यूब से कितने पैसे कमाए हैं, मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इससे पहले हम लैपटॉप के बारे में देख लेते कि मैंने कौन सा लैपटॉप लिया है, कितने बजट का लैपटॉप लिया है। तो फ्रेंड, ये रहा मेरा लैपटॉप, एचपी का विक्टस है। यहाँ पे आप लैपटॉप को देख सकते हो, इसका व्यू मैं फ्रंट का दिखा देता हूं आपको। इसके फ्रंट प्रोसेसर की बात करें तो AMD Ryzen 5 5600H है। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो RTX 3050 4GB मोबाइल GPU के साथ है। इसके बारे में फ्रेंड अगर और भी डिटेल्स आपको अगर जानना है तो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको लुक वाइज कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बारे में फ्रेंड अगर आपको और भी अच्छे तरीके से इसकी जानकारी लेनी है तो आप अदर यूट्यूबर्स का देख सकते हो जो अनबॉक्सिंग वगैरह करते हैं, वो आपको अच्छे से इसके बारे में बता सकते हैं। इसको मैं फोल्ड कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। इसका वेट 2.8 kg के आसपास है, यहाँ पे आप देख सकते हो लैपटॉप को। तो इसको मैं रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसको कैसे परचेस किया और इसका बजट क्या है। लैपटॉप की प्राइस की बात की जाए, बजट की बात की जाए तो 60,000 rupees का, 60,000 rupees का लैपटॉप है। मैंने इसको ऑफलाइन ही रिलायंस डिजिटल से जाके परचेस किया है। अगर आपके पास कम भी पैसे हैं तो कैसे आपको इंस्टॉलमेंट में लेना है, मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं यूट्यूब पे कितने टाइम से काम कर रहा हूं, मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं और मैंने यूट्यूब से अब तक कितने पैसे कमाए हैं। तो मैं बात कर लेता हूं कि मैं यूट्यूब पे कितने टाइम से काम कर रहा हूं। तो मैं यूट्यूब पे एक साल से ज़्यादा टाइम से काम कर रहा हूं। मेरे चैनल को मोनेटाइज हुए 6 महीने के आसपास हुआ है। मेरे चैनल पे अभी सब्सक्राइबर की बात करें तो तकरीबन 4000 के आसपास मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है। 4000 में थोड़ा कम, 20 या 25 सब्सक्राइबर कम है, 4000 कंप्लीट होने वाले हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि मेरे यूट्यूब की लाइफ टाइम अर्निंग क्या है, मैंने अब तक यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, मैंने अब तक यूट्यूब से 5 मंथ के अंदर 45,000 rupees के आसपास कमाया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने 60,000 rupees का, 60,000 rupees का मैंने लैपटॉप लिया और मैंने अब तक यूट्यूब से 45,000 rupees ही कमाया। तो मैंने जो लैपटॉप लिया है रिलायंस डिजिटल से, वो मैंने EMI पर लिया है। कुछ पैसा वहाँ पे डाउन पेमेंट करने के बाद कुछ पैसा बच गया है जो मुझे इंस्टॉलमेंट में EMI पे करना होगा। अगर आप भी EMI पे लेना चाहते हो, अगर आपकी YouTube से इनकम होने स्टार्ट हो गई है थोड़ी बहुत, तो आप भी EMI पे ले सकते हो। आपके होम डिस्ट्रिक्ट में रिलायंस डिजिटल का शोरूम होगा, वहाँ से जाके आप लैपटॉप ले सकते हो, जो भी लेना EMI पे ले सकते हो। उसका कंडीशन ये है कि आपका एज जो है 23 से ऊपर होना चाहिए, आप जाके वहाँ पे बहुत ईजिली EMI कर सकते हो। अगर आप भी YouTube के लिए वीडियो बनाते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, YouTube से पैसा कमाना चाहते हो, तो मैं आपको अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि आपको जल्दी से कैसे ग्रो करना है YouTube पे, क्योंकि YouTube पे इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि यूट्यूबर बनना अब इतना आसान नहीं रहा। मैं आपको दो टिप्स बताऊंगा, ये दो टिप्स से अगर आप फॉलो करते हो तो 100% आपका चैनल ग्रो करेगा, आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। पहला है कि पेशेंस, दूसरा है आपको यूट्यूब पे कंटिन्यू रहना होगा। कुछ भी यहाँ पे अचानक नहीं होने वाला है, अगर आप मेहनत करोगे जब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई चमत्कार यहाँ पे नहीं होगा। आपको कंटिन्यू यूट्यूब पे रहना है, पर डे आप वीडियो बनाओ, अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाओ, जो काम कर रहे हो आप दिल से करो, 100% ग्रो करोगे। बाकी जितनी बातें हवा हवा, ये कि आप वीडियो को प्रमोट करोगे या आपका कोई प्रमोट कर देता है या फिर आपको कोई लिंक शेयर कर देता है तो आप ग्रो कर जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। एक वीडियो करेगा वहां पे आपके चैनल पे, उस वीडियो पे व्यूज आ जाएगा, लेकिन आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। आपको यहां पे जेन्युइन तरीके से मेहनत करना होगा, जब भी जाके आप ग्रो कर पाओगे। आप इसको हल्के में लोगे तो कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको टाइम निकालना होगा, मेहनत करना होगा, अच्छे तरीके से वीडियो अपलोड करना होगा, पर डे वीडियो अपलोड करना होगा। यहाँ पे मेन है कंटिन्यू रहना। अगर कंटिन्यू नहीं रहोगे तो आप कंटिन्यू नहीं रह के देखो आपका, देखो रिजल्ट क्या आता है, इतना खराब रिजल्ट आएगा। यहाँ पे आपका व्यूज आना कम हो जाते हैं, सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होते, अर्निंग तक कम हो जाती है। जनवरी मंथ में मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं रह पाया, यहाँ पे वीडियो कम अपलोड किया, तो मेरी अर्निंग सीधे आधे से कम हो गई, व्यूज आधे से कम हो गया आना, वहाँ पे सब्सक्राइबर पर डे जिस हिसाब से इंक्रीज हो रहा था वो आधे से कम हो गया, सब कुछ यहाँ पे अचानक से गिर गया। तो इसलिए यूट्यूब पे कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो सबसे बड़ा राज मैं कहता हूं आपको कि YouTube पे कंटिन्यू रहना। अगर आप YouTube पे कंटिन्यू रहोगे तो मैं लिख के देता हूं कि आपका चैनल ग्रो करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा राज नहीं है। दूसरा यह है कि आप अपने वीडियो का थंबनेल अच्छा रखो और कंटिन्यू रहो। कुछ भी टॉपिक बनाते हो अच्छे से बनाओ, अच्छे से एक्सप्लेन करो, लोगों को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करो, 100% आपका चैनल ग्रो करेगा, मैं आपको लिख कर देता हूं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पे आपका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।